सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों इस वक्त मैं बाबा शकरबरश औलिया रहमतुल्ला अली की दरगाह पे हूँ और यहाँ पर आज शुभरात के मौके पर मेला लगा हुआ है जिसको बोलते हैं कि उर्स लगा हुआ है। तो आज हम यहाँ आए हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ चल रहा है। और आपके चैनल का नाम पूरे भारत में हो, पूरी दुनिया में हो और आपका नाम भी बहुत हो। बहुत अच्छे इंसान है चंचल कुमार शर्मा जी, जेवर प्रेस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस बुजुर्ग की दरगाह में ये लोग आए हैं, मैं चाहूँगा कि इनकी मनोकामना, इनकी तमन्ना अल्लाह इन बुजुर्ग के तुफैल में पूरी करे। और जेवर में बाबा शकरबरस औलिया की दरगाह पर कब्बालियों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शबेरात के अवसर पर प्रतिवर्ष जेवर में यह उर्स यानी के मेला लगाया जाता है। लोग यहां आकर बाबा शकरबरस की मजार पर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। आयोजकों का कहना है कि कोरोना के चलते इस बार मेले को सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और स्थान के सूफी बाबा हाफिज ने कार्यक्रम के बारे में जेवर प्रेस से बात करते हुए जानकारी दी। दोस्तों आज मैं बाबा शकरबरस की दरगाह पे हूँ जिसका नाम दूर दराज तक लोगों की जुबान पर रहता है। यहाँ कभी शक्कर वर्षा करती थी ऐसा हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं। और इस मजार के जो यहाँ दरगाह है इसके मेन जो सूफी हैं, जो संत यहाँ रहते हैं, वो यहाँ मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा आज क्या महोत्सव है, क्या कुछ चल रहा है, आप बता दीजिए। ये आज जो प्रोग्राम है हजरत बाबा शकरबरस रहीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, असली नाम इनका रहीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह है। इनको शकरबरस औलिया इस नाम से पुकारा जाता है। पहले यहाँ शक्करबरसती थी और लोग अपनी तमन्ना मुरादें लेकर के आते थे, उसी शक्कर से अपनी जो है मन की मुरादें बाकर के नहीं फैज पाते थे, इसलिए जो है इनको शक्करबरस औलिया के नाम से पुकारा जाता है। असली नाम इनका रहीमुद्दीन शाह है। आप जिनके लिए दुआ फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदी हैं, नेक सच्चे बंदे हैं, इसीलिए जो है इनके दरबार में आज जो है ये महफिल समा इसीलिए मनाई जाती है, उनकी महफिल है। आज क्या महोत्सव है, किस लिए लोग इकट्ठा हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये कवाली का आयोजन है और मिलाद शरीफ होती है, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, लंगर होता है और यहाँ सब लोग अपनी ज़ियारत के लिए आते हैं, चादर पेश करते हैं। तो आज यहाँ शुभरात के अवसर पर कव्वालियाँ होती हैं, अक्सर होती रहती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में युवा और महिलाएं भी हैं, लोग हैं, सब हर तरह का आदमी यहाँ आता है और अपना माथा टेक कर अपनी मुरादें पूरी करता है। भाई साहब क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो मज़ार है ये बुजुर्गान दीन का मज़ार है और यहाँ किसी ज़माने में शक्कर बरसती थी और लोग उसको अपने घर ले जाया करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने बेचना शुरू कर दिया तो वो बरसनी बंद हो गई। उनका ये 563वां उर्स है जो हर साल हम तकरीबन एक हफ्ते के दरमियान में मनाते हैं, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं कोविड-19 की वजह से ये उर्स मुख्तसर तरीके से मनाया जा रहा है। एक रस्म पूरी करी जा रही है जो हर साल हम करते आए हैं, जो सरकारी गाइडलाइंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मुख्तसर इसको मनाते हैं। इनका इतना बड़ा नाम है, यहाँ किसी धर्म का कोई रोक टोक नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जातों के लोग, सब बिरादरी के लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें लाते हैं, मन्नतों से अपनी फैज उठाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो हमारी सालों साल की रस्म है उसको केवल एक अदायगी करी जा रही है देश के हालात को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए। तो ये इदरीस भाई थे जो काफ़ी सामाजिक हैं, जेवर में रहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कैसी कव्वालियाँ यहाँ होती हैं, आइए मेरे साथ। हुसैन बोल यहाँ सर का ताज वाले हैं,
प्रतिवर्ष बाबा शकरवर्ष की दरगाह पर कब्बालियों का कार्यक्रम धूमधाम से होता है, जिसमें दूर दूर से आने वाले कब्बाल आकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। कई बार यहाँ कव्वाली प्रस्तुत करने वाले कव्वालों के बीच कव्वाली कंपटीशन भी आयोजित कराए जाते हैं, जिसमें जीतने वाले कव्वालों को इनाम दिए जाते हैं। बाबा शकरवर्ष की दरगाह पर आकर लोग माथा टेकते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। नितेश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।